पहले जी वाइट कढ़ाई मेरी सिस्टर ने तैयार की है, माशाल्लाह बड़ी मज़ेदार है, चखी भी है मैंने। और उसके साथ ना मेरी दूसरी सिस्टर ने जो रेडी की है वो है मैक्रोनी, अल्हम्दुलिल्लाह जी मैक्रोनी बड़ी मज़ेदार, बहुत अच्छी नज़र आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाई व्यूज। जी व्यूज, आज काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग्स आ रहा है। व्लॉग्स ना आने का रीज़न ये है कि काफ़ी दिनों से ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऑलमोस्ट तकरीबन 2 वीक से जो ना मेरी तबीयत ख़राब है और मेडिसिन लगातार खाता जा रहा हूँ। तो मुझे ऐसे लग रहा है मेडिसिन मैं ऐसे खा रहा हूँ जैसे बच्चे बंटी वगैरह ये चीज़ें वगैरह खाते हैं ना, ऐसे लग रहा है मैं ऐसे मेडिसिन खा रहा हूँ। वो मेरा दिल जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाता है मेडिसिन खाने से। काफ़ी दिनों से जो है ना बुखार उतर नहीं रहा, अभी भी मुझे फीवर है तकरीबन 70-75% जो है ना वो ठीक हूँ अभी मैं, और 20-25% जो है ना अभी भी मुझे जो है ना फीवर है अभी भी। और रीज़न ये है कि मुझे गले में ज़रा प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ना मुझे रिश है और उससे ना बुखार हो जाता है। अभी भी मैं अभी देख लें, मैंने जैकेट पहनी हुई है, यानी कितनी अभी पिछले 2-3 दिन में बारिश हुई है सियालकोट में जिस वजह से ठंड ज़्यादा हुई थी, लेकिन अभी भी कल और परसों आज अच्छी भरी धूप निकली, उसके बावजूद जो है ना ठंड जो है ना ठंड नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी जैकेट पहनी है क्योंकि मुझे सर्दी जो है ना वो फील हो रही थी। अभी जो है ना व्लॉग बनाया है, जो बात ये कि आज है मेरी बेटे की हैदर की बर्थडे, आज तो आज बर्थडे मना रहे हैं, तो सब कुछ इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। और अभी जो है ना मैं ज़रा स्कूल के मतलब भी आपको बता दूँ, स्कूल के मतलब भी आपको अपडेट नहीं कर रहा था कि स्कूल में हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं सेकेंड टर्म के, तो उससे मैं ज़रा लैपटॉप द्वारा थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, उसका ना विंडो का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो विंडो जो है ना वो करवानी है नहीं, तो अब लैपटॉप लेके चलते हैं पहले बाहर और वो करते हैं, और जो विंडो करवा के जो एक दो सामान स्कूल का वो भी लेना है, वो आके जो बर्थडे का जो सिस्टम जो घर में कुछ बना रहे हैं, हैदर को भी तैयारी, हैदर का सूट जो है मीजा ने बहुत अच्छा लिया हुआ है सूट, वो आपको सूट दिखाएंगे पहने आके, तो इंशाल्लाह व्लॉग के सारे। और मेरी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर ले, और वीडियो को जो है ना फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ जो है ना वो शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, जब चलते हैं उसी से लैपटॉप से लेके चलते हैं भाई के पास, उधर लेके तो फिर इंशाल्लाह घर आते हैं जी। ला जी, अभी मैं निकला हूँ तो लैपटॉप जो है मैंने ले लिया पीछे अपने, ज़रा बांध दिया ऊपर, तो अभी चलते हैं लैपटॉप लेके सीधा लैपटॉप और फिर उधर लैपटॉप देंगे, और कुछ एक दो चीज़ें वो लेनी है वो भी ले लेंगे, और फिर उसके बाद जो है इंशाल्लाह फिर घर आएंगे। ओके जी, अब लैपटॉप के सीधा चलते हैं। ला जी, मैं अभी घर आया हूँ और लैपटॉप जो है वो मैं घर उधर ले आए भाई को, तो वो इंशाल्लाह कर देगा, उससे कहा 1.5 घंटे तक आप आ जाए तो हो जाएगी इंशाल्लाह, तो वो ले आएंगे बाद में जाके। बाकी के जो सामान है वो भी मैं ले आया हूँ, हैदर का जो बर्थडे गिफ्ट है वो भी लेके आया हूँ, वो आपको बाद में दिखाऊंगा जब केक काटेंगे, तो फिर इंशाल्लाह आपको उसका जो ना जो गिफ्ट है वो आपको दिखाया जाएगा। अभी जो है ना मैं गया था बाजार, तो उस साथ में मैं मेडिसिन भी लेके आया हूँ अपनी, कि मेडिसिन जो है ना खाऊँ और क्यों तबीयत जो है ना वो मुझे लग रहा है कि जैसे ख़राब होना शुरू हो गई है मेरी फिर से, तो वैसे मैं मेडिसिन इसलिए चाय बनवाई है, मेडिसिन खा कर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, तो उसके बाद जो है ना आपको बर्थडे बॉय से भी मिलाते हैं। और किचन में जो माशाल्लाह हमारी खवातीन है या मेरी वाइफ है जो काम कर रहे हैं, तो आपको जो है ना वो भी इंशाल्लाह बाद में दिखाया जाएगा कि क्या क्या हम बना रहे हैं हैदर के लिए, तो इंशाल्लाह वो भी आप दिखाएंगे। जो अभी जो है ना मैं पहले मेडिसिन खा लूँ, चाय पी के थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, इंशाल्लाह आपसे बाप के बात करते हैं। जी, इस केक बन रहा है, मेरी वाइफ केक बना रही है, माशाल्लाह केक देखे इतना सॉफ्ट ये भी हो गया है। और दूसरी तरफ जो है जी ये बन रही है वाइट कढ़ाई, और उसके साथ जो है जी बिरयानी के लिए जो है ना मसाले लगा के मुर्गी रखती हुई है, अभी ये होता है, तो इंशाल्लाह फिर ना केक भी बनाएंगे और बिरयानी वो भी रेडी हो जाएगी।
तो ला जी अभी जो चीजें रेडी हुई हैं वो आपको दिखा देता हूँ मैं, कौन कौन सी चीजें जो है ना रेडी हो चुकी हैं। तो सबसे पहले जो आपको दिखाऊंगा वो व्हाइट कढ़ाई और मैक्रोनी जो है वो रेडी हो चुकी है, वो आपको सबसे पहले दिखाते हैं। सबसे पहले जी व्हाइट कढ़ाई मेरी सिस्टर ने तैयार की है, माशाल्लाह बड़ी मजेदार है, चखी भी है मैंने। और उसके साथ ना मेरी दूसरी सिस्टर ने जो रेडी की है वो है मैक्रोनी, अल्हम्दुलिल्लाह जी मैक्रोनी भी बड़ी मजेदार, बहुत अच्छी नजर आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत टेस्टी भी है। और माशाल्लाह देखें कितनी खूबसूरत जो है जी मैक्रोनी तैयार हुई है जी। केक की तैयारी हो रही है और केक की जो क्रीम जो है ना वो तैयार की जा रही है, वो स्पंज वगैरह वो तैयार करके हमने रख लिए हुए हैं, जैसे ही तैयार होगा इंशाल्लाह केक तैयार होगा आपको भी इंशाल्लाह दिखाएंगे हम। माशाल्लाह जी केक जो है वो रेडी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी वाइफ ने बनाया केक और पांडा बनाया माशाल्लाह, देखिए कितना खूबसूरत जो है जी केक बना है अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें सारा केक अल्हम्दुलिल्लाह कितने खूबसूरत से केक बनाया गया है अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं रेडी हो चुका हूँ नहा के ना, कपड़े मैंने पहन लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत जो है ना मेडिसिन खाई है कुछ फर्क पड़ा हुआ है। केक भी आपने देखा है माशाल्लाह केक बहुत ही खूबसूरत केक बना है, खाना भी हम अल्हम्दुलिल्लाह जी रेडी हो गया हुआ है। और अभी जो है ना बर्थडे बॉय आपको दिखाता हूँ हैदर जो है ना, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है, उसको कपड़े पहनाए हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तो आपको जो है सबसे पहले जो हैदर को जो वो दिखाते हैं जी। ये जी बर्थडे बॉय जी हैदर, हैदर हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मेरा बेटा, माशाल्लाह देखे जी माशाल्लाह काफी खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह जी लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बाय बाय माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह जी बैठ के मैंने करा कर दिया कि चलो वीडियो आई माशाल्लाह काफी खूबसूरत जन लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। अभी जो है ना केक हम कट करने लगे हैं, मेरे साथ हैदर है अल्हम्दुलिल्लाह, फरदीन भी मेरे साथ है। तो अब जो है ना हम केक कट करेंगे, तो केक जो है वो रेडी हो गया, आपको दिखाते हैं केक इंशाल्लाह केक, फिर उसके बाद जो हैदर जो है ओपन करेंगे इंशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह बर्थडे मेरे बेटा 5 साल को हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इसे लंबी जिंदगी करे, इसका सफर जो है ना वो अगला जो है उम्र जो है इसकी लंबी करो, इसकी आसान जिंदगी जो है वो हो। अब जो है गिफ्ट है देखो, गिफ्ट लेना है, गिफ्ट लेना है, क्या लेना है गिफ्ट? वीडियो 5G गेम। अभी आपके लिए तो मैं बेटा ये गाड़ी लेके आया हूँ, रिमोट वाली गाड़ी, रिमोट से चलेगी गाड़ी। और ये देखो ये भी है, ये आपकी वो माइका दीदी ने दी है ना, हैं हैं ये भी, ये ऐसा ये भी है, ये भी पकड़ो, ये भी आपका है। थैंक यू, बारिश की ना भी आई है, हैं ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह जी बच्चे खुश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह जी, छोटा से खुद ही घर में केक बनाया और खुद ही अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया और काफ़ी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह जी लगा है। तो दुआएं मेरी अल्लाह ताला आप जो है ना इसी तरह जो ना
आज आज मेरे पास अपने पास है। इसी तरह अल्लाह ताला सब बच्चों को जो ना खुश रखे, और जितने भी बच्चे हैं जो अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे। और इसके मौके पर ये मैं कहना चाहूँगा, जो जिसकी औलाद भी अल्लाह ताला सभी औलाद करे, और जो भी कुछ मसला किसी का अगर कोई हुआ हुआ है, कोई मसला है, कोई अल्लाह ने अगर लिया है, कोई किया हुआ है, तो आप सब्र करें और अल्लाह पर तवक्कुल करके अल्लाह इसका अच्छा नतीजा जरूर देगा, वो होगा सब्र के साथ। आप सिर्फ अल्लाह पे तवक्कुल करें और अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है इंशाल्लाह। और फलस्तीन के लिए भी आप जरूर दुआ कीजिएगा कि जो हालात हैं, हम इसमें इससे प्लेटफॉर्म से सिर्फ बयान कर सकता हूँ या अपने आप पैगाम पहुँचा सकता हूँ कि फलस्तीन के लिए हम मुसलमान भाइयों के लिए दुआ जरूर करें। अल्लाह ताला बहुत रहीम करीम है, तो हमारी हुकूमत को भी चाहिए ताकि वो कुछ फलस्तीन के भले कुछ करें, इस्लामी ममालिक के पूरे वो कुछ ना कुछ ज़रूर किया जाए। तो ये छोटा सा मैसेज है रिलेटिव मेरा, तो आज का ये भी ख़त्म करते हैं। दुआ में भी आप भी फिर हैं, दूसरों को भी फिर रखें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो आपने सारा कुछ देखा, तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो मैं आपको दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।